अभिनेत्री आलिया भट्ट को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बड़े पैमाने पर ट्रोल किया गया था। अभिनेत्री ने शुक्रवार को उस समय को याद किया जब लोग दयालु हुआ करते थे। अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह फेस मास्क पहने दिखाई दे रही हैं। उन्होंने तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, तस्वीर में अभिनेत्री मास्क पहने घास पर बिछी चादर पर लेटी नजर आ रही हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया ने मुंबई में संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म की शूटिंग समाप्त करने के बाद अभिनेत्री फिल्म RRR के लिए भी काम करेंगी। सोनम कपूर को फिल्म के सेट की याद सताने लगी है। उन्होंने शुक्रवार को अपने सत्यापित इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है जहां वह मेकअप करवाती और बालों को सवारते नजर आ रही हैं। इस वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, अपने मेकअप आर्टिस्ट को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, काम की बात करें तो सोनम को आखिरी बार फिल्म द जोया फैक्टर में देखा गया था। अभिनेता अनिल कपूर जो अपनी फिटनेस और हेल्थ का खासा ध्यान रखते हैं, अब उन्होंने अपनी एक गंभीर बीमारी का खुलासा किया है। उनका कहना है कि वह पिछले 10 साल से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अनिल ने अपनी कुछ तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए लिखा, मैं पिछले 10 साल से अकिलेस टेंडन की बीमारी से जूझ रहा था। दुनिया भर के डॉक्टर्स ने मुझे इससे निजात पाने के लिए एकमात्र सर्जरी ही उपाय बताया। डॉक्टर मुलर ने बिना सर्जरी के मुझे लंगड़ाने से चलने, दौड़ने और फिर स्किपिंग करने की स्थिति में ला दिया। इन तस्वीरों में से दो तस्वीरों में वह स्किपिंग करते नजर आ रहे हैं, तो एक में डॉक्टर उनका इलाज करते दिख रहे हैं, वहीं एक में उनके साथ डॉक्टर कंधे पर हाथ रखे फोटो क्लिक कराते दिख रहे हैं। अभिनेत्री दिशा पटानी, जिन्हें हम उनकी शानदार फिटनेस के लिए जानते हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक हॉट तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में दिशा अपने हॉट अंदाज में तस्वीर क्लिक करती नजर आ रही हैं। दिशा अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों को प्रशंसकों संग साझा करती रहती हैं। काम की बात करें तो दिशा को हम सलमान खान के साथ आगामी फिल्म राधे में देखेंगे। Your fans have launched a doll after you. Yes. Did you ever expect such a grand surprise this year? I just couldn't imagine. I've been really very excited and pumped up. Initially, they planned it as a surprise, but then they had to tell me about it. My team was involved too. So my fans, like, these are a bunch of people who are doll manufacturers, and it was their idea. They got in touch with my team, and then they finally had to tell me before my birthday because they wanted to get the pictures done. I'm like, could you just do? I'm like, why am I gonna dress up like a doll? Okay, so you look ravishing in this attire of yours. What all efforts go in finalizing the same? Okay, I'll be honest. It's especially for my birthday because I feel that I do take that extra liberty and luxury of taking my own sweet time because I'm really not rushing and I don't feel like I'm doing a job. It's more about feeling good, being able to experience everything that I'm doing. So it just becomes like really time consuming, but I enjoy it. It's my thing. Okay. A very few people get the kind of honor you've got. Are you overwhelmed and what are your thoughts on the same right now? It's extremely overwhelming. It's just really surreal, you know, for me to think of, I mean, it's just such a sweet gesture. I mean, it must have taken so much thought for them to have a line that is named after me, to have that listed on Amazon, to make sure that all my other fans get a chance to get it too. It's just a very thoughtful process and I'm more than happy and I don't think I can explain how overwhelmed I am by that. Okay, what has been your best birthday till date? This. Thank you. Thank you. Subscribe now and press the bell icon.